नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आईनी जिम्मेदारियां संभाल ली। वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश, पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शहबाज शरीफ की पीएम हाउस के अमले से मुलाकात, वजीर आजम की इकतदार की पुरान मुंतकिली पर कौम को मुबारकबाद। ट्वीट किया कि स्टॉक मार्केट और करेंसी को मजबूत करने की तरफ हमारा सफर शुरू हो चुका है। हमारी तवज्जो पाकिस्तानियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर है। मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। गुज़श्ता रात ऐवान सदर में तकरीब हलफ बरदारी हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तबीयत नासाज होने के बायस कायम मकाम सदर चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने नौमुंतखब वजीर आजम से हलफ लिया। नई काबीना में कौन कौन वजीर होगा, हतमी फैसला आज होने का इम्कान। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को मुलाकात के लिए बुला लिया। वजारतों पर मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून के 12 और पीपल्स पार्टी के 7 वुजरा काबीना में शामिल होने का इम्कान। JEY को 4, MQM को 2 वजारतें मिलने का इम्कान। BNP मिंगल, ANP जमहूरी वतन पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 1-1 वजारत दी जाएगी। सेनेट में कायदे अवाम के लिए सेनेटर आजम नजीर तारड़ का नाम जेरे गौर। खुर्शीद शाह या नवीद कमर को स्पीकर बनाए जाने का इम्कान। जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफादात के लिए अहम है। हम आईनी जमहूरी उसूलों पर की पुरान अमल दरामद पर हिमायत करते हैं। शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने पर अमरीका का रद्द अमल सामने आ गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी कहती हैं कि अमरीका कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता है। अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने दरीना तआवुन को कदर की निगाह से देखता है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। कहा, भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है ताकि हम तरक्की पर तवज्जो दे सकें। तुर्क सदर का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, यकीन है आपकी क्यादत में पाक तुर्क ताल्लुकात में मजीद मजबूती आएगी। पाकिस्तान में मौजूद चीनी सफारतखाने ने ट्विटर पैगाम में कहा कि सियासी तब्दीली का पाक चीन दोस्ती पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में साबित कदम रहेंगे। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आजम बनने पर न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा ऑर्डन ने भी मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इमरान खान सियासी महाज पर फिर सरगर्म। पार्टी के अहम इजलास बुला लिए। सियासी कमेटी और सीनियर क्यादत के इजलास आज बनीगाला में होंगे। PTI की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। इजलासों में इंतखाबी मुहिम, अवामी राबता मुहिम पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ वकला विंग के सीनियर रहनुमा भी बनीगाला तलब। कानूनी और आईनी उमूर पर भी मुशावरत होगी। मुल्क भर में इंसाफ वकला विंग को मुतहरक किया जाएगा। साबिक वजीर आजम का अवामी राबता मुहिम भी शुरू करने का फैसला। कल रात पेशावर में जलसे का ऐलान। कराची जलसे की तारीख भी तब्दील कर दी। 16 अप्रैल को कराची आने का फैसला। जलसे से खिताब करेंगे, आइंदा के लाही अमल का ऐलान करेंगे। इमरान खान सड़कों पर फिरते रहेंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। काबीना की मेज पर सैकड़ों अरब लूटने वाले बैठे थे। चेयरमैन नैब इमरान खान के कब्जे में था, उसे इमरान खान की करप्शन नजर नहीं आती थी। वजीर मुशीर लोगों पर हेरोइन के केस बना रहे थे। सारे वजीर उन्हीं अकूबत खानों में होंगे जहाँ हमने वक्त गुजारा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क में करप्शन के हकायक आवाम के सामने रखेंगे, इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे। चेयरमैन नैब और अहलकार मुल्क का कानून तोड़ते रहे, अब वक्त है कि वो जवाब दें। कल आरिफ अलवी ने दांत में दर्द की वजह से हलफ नहीं लिया। आईनी दायरे में काम करेंगे तो ही सदर रहेंगे। मुल्क का सियासी बहरान संगीन हो रहा है। 135 हलकों से इस्तीफे आ चुके हैं। पार्लियामान अपनी अहमियत खो चुकी है। चूचू का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्ते के लिए है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया और सियासी मुखालफीन के खिलाफ ट्रैक डाउन के ख्वाब छोड़ दे। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात है। वजीर आला पंजाब के इंतखाब का तनाजा लाहौर हाईकोर्ट में समाप्त। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि आपस में बैठकर मामला हल करें, लेकिन आप इस तरफ नहीं आए। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौकिफ इख्तियार किया कि एक बार तारीख तय हो गई तो उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। असेंबली और अदालतें अपने अपने दायरेकार में काम करती हैं। इजलास कब बुलाना है, कब मुलतवी करना है, अदालतों को इन मामलों में मुदाखलत का इख्तियार नहीं।
ये ऐसे ही है कि सूबाई असेंबली अदालत से केसेस के अल्तवा के बारे में पूछना शुरू कर दे, दरख्वास्त काबिले समाअत नहीं है। एक के बाद एक तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क्यूम नयाज़ी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। वज़ीर ख़जाना माजिद खान, वज़ीर खुराक अली शान और मुशीर अकबर ने तहरीक जमा कराई। 25 अरकान ने दस्तखत किए। तहरीक अदम एतमाद कानून साज असम्बली के सेक्रेटरी ने वसूल की। पीटीआई रहनुमाओं के नाम स्टॉप लिस्ट में डालने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात के लिए मुकर्रर, चीफ जस्टिस अतहर बिनुल्ला कुछ देर बाद समात करेंगे। शहजाद अकबर और शहबाज गिल ने मौकिफ इख्तियार किया कि बैरून मुल्क रवानगी पर पाबंदी के खिलाफ कानून है, कोई मुकदमा है ना कोई इल्जाम, पाबंदी खत्म की जाए। शहजाद अकबर ने ट्वीट किया कि इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज कौम को मुबारक हो कि 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग वाला वजीर आजम है और अपने फर्ज की अदायगी करने वाले स्टॉप लिस्ट पर हैं। हैरत है कि अदम एतमाद की रात 1:55 पर नाम डाला गया जब ना कोई हुकूमत थी और ना ही काबीना। शहबाज गिल बोले, करप्ट शख्स को गैर मुल्की साजिश से खरीदो फरोख्त के बाद दिया जाता है वोट लेने के लिए, बस ये जो है अपना काम कर रहे हैं, पेंशन बढ़ा दी। आपको पता है वाम यहाँ की गरीब है, यहाँ पे थोड़े से पैसे ज्यादा मिल जाए तो वाम उधर हो जाती है। प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं या जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए तो कोई ऐलान नहीं किया। हमें और भी तवक्को है कि हालात ठीक करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान, सरकारी मुलाजमीन ने फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, हुकूमत का इकदाम अच्छा है, उम्मीद है महंगाई पर काबू भी पाया जाएगा। हुकूमत पेट्रोल, घी, कुकिंग ऑयल और दीगर अशिया की कीमतों में कमी लाए ताकि मुश्किलात कम हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानब से इस्तीफे आने का सिलसिला जारी। 126 से ज्यादा अरकान ने स्पीकर कायम मकाम स्पीकर को भेज दिए। ज़ाबता कार के तहत कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। तस्दीक की अमल के बाद इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाएंगे। पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी आमिर कियानी कहते हैं कि मुनहरफ अराकीन के अलावा पीटीआई के तमाम अराकीन मुस्ताफी होंगे। 203 MLAs बाकी हैं, वो भी जल्द अपने इस्तीफे जमा करा दें। इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा। अवामी पावर शो में शाह फरमान, परवेज खटक, असद कैसर, शहरियारा फरीदी समेत दीगर ने शिरकत की। रैली के शुरका के इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, अमरीकी गुलामी ना मंजूर के नारे। असद कैसर ने कहा कि अपोजिशन ने मुझे स्पीकरशिप की पेशकश की, मैंने कहा वजीर आजम भी बना दो तो भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। शाह फरमान बोले, नून लीग ने डॉन लीग्स और पीपल्स पार्टी ने मेमोगेट के जरिए फौज से गद्दारी की, इन पर मुकदमा अभी रहता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, 45,000 की नफसियाती हद गिरी, फिर बहाल हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर भी 13 पैसे कम, डॉलर 182.80 रुपए का हो गया। नई हुकूमत आते ही साबिक सेटअप तहलील होने लगा। गवर्नर सिंध ने इस्तीफा सदर को भिजवा दिया, कहते हैं 2 रोज में गवर्नर हाउस खाली कर दूंगा। गवर्नर केपी भी मुस्ताफी हो गए। उधर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का इस्तीफा तैयार, चौधरी बिरादरान से मुलाकात में सूरत हाल पर मुशावरत की। उधर पंजाब की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को देने का इम्कान, नामों पर मुशावरत जारी।